गुड मॉर्निंग मनुष्य, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का बिजनेस मैनेजमेंट का चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। न्यू चैप्टर है हमारा, आई थिंक 11th चैप्टर है, 10th चैप्टर सॉरी, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, निजी संस्था और गवर्नमेंट संस्था। तो वो चैप्टर हम आज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ दो टॉपिक दे रखे हैं, एक प्राइवेट सेक्टर का दे रखा है, प्राइवेट सेक्टर मींस निजी संस्थाएं निजी क्षेत्र, एक गवर्नमेंट सेक्टर का दे रखा है या पब्लिक सेक्टर दे रखा है। सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ये देखते हैं। तो दो ही पॉइंट्स है, दो ही टॉपिक है जो आपने करना है। तो हम आज प्राइवेट सेक्टर का करेंगे टॉपिक, जो हमारा एक्सप्लेन करेंगे आज, जिसको हम हिंदी में निजी सेक्टर या क्षेत्र कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप के बेस पे बिजनेस को ऑपरेट किया जाए, मतलब कि निजी व्यक्तियों, निजी क्षेत्र उसे कहते हैं जब निजी व्यक्तियों के द्वारा किसी बिजनेस को चलाया जाए, उसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ना तो स्टेट की नहीं सेंट्रल की। तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वो होगा जिसमें प्राइवेट ओनरशिप के बेस पे आप अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सको, जिसमें कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। आई थिंक हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, अगर कोई बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, कोई भी बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, तो टू प्रकार के शेयर होते हैं, उसे प्राइवेट भी हो सकते हैं, ये तो सारी प्राइवेट होगी, या कुछ प्राइवेट और कुछ क्या होगी, पब्लिक होगी, क्या होगी, पब्लिक होगी। अगर 51% प्राइवेट और 49% पब्लिक है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, हमारी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, क्योंकि इसमें शेयर ज्यादा किसके, प्राइवेट के है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, तो आपको पता लगी ना होगी प्राइवेट सेक्टर क्या होता है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप के बेस पे बिजनेस किया जाए, निजी लोगों के द्वारा कोई बिजनेस किया जाए, उसको क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र। अब इसके कुछ फीचर दे देते हैं, प्राइवेट जो सेक्टर दे रखा है इसके क्या दे रखे हैं, फीचर दे रखे हैं। अब फीचर देखो, इसके क्या क्या है फीचर्स, या इंटरप्राइज कह दो, विशेषता कह दो, इसको आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो फीचर क्या दे रखे हैं इसके, वो आप देख सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, विशेषताएं, विशेषता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है इसका, प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट जो विशेषता फीचर दे रखा है, प्रॉफिट मोटिव, क्या है, प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य। एक चीज ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर जो होगा उनका एक ही मोटिव होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। उनका ये पर्पज नहीं होगा कि हम सोशल एक्टिविटी करें, मतलब समाज सेवा करें, ये उद्देश्य उनका नहीं होगा। उनका एक ही पर्पज होगा कि हम अधिक से अधिक क्या करें, प्रॉफिट करें। अगर उनकी फर्म अधिक से अधिक इंक्रीज होती जा रही है प्रॉफिट करने में, तो उनकी फर्म क्या होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। उनका कवरेज एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उनके जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा से ज्यादा क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट ओनरशिप, जो मैंने अभी बताया था आपको, ओनरशिप, जो भी बिजनेस प्राइवेट ओनरशिप में स्वामित्व, जो भी बिजनेस निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो प्राइवेट ओनर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर किसके द्वारा ऑपरेट होगा, किसके द्वारा ऑपरेट होगा, किसके द्वारा चलेगा, प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा, तो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें यही दे रखा था और कुछ है ही नहीं। तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप हम लोग हैं, इसमें कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम इसको मिटा देते हैं, जगह है नहीं, इसलिए मिटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो हमारा दे रखा प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, प्रॉफिट एज
एविडेंस प्रूफ सक्सेस। ठीक है। तो ये कह रहा है कि सक्सेसफुल कह रहा है कि किसी भी फर्म की सक्सेस सफलता कैसे होगी। तो अगर फर्म की ईयर टू ईयर साल दर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फर्म सक्सेस हो रही है। प्राइवेट सेक्टर क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। अगर उसको साल दर साल उसका लाभ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। फर्स्ट ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर में 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, थर्ड ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट होगा। अगर ऐसे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो उसका जो बिजनेस है, जो उसकी फर्म है, वो सक्सेस हो रही है। तो सिर्फ एक चीज दे रखी थी इसमें, और इसमें किसी भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भी इंपोर्टेंस आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आगे। हाँ, एक पॉइंट जरूर है। एक पॉइंट क्या है, जो फर्म प्राइवेट सेक्टर होगा वो कहीं स्टेट या सेंटर में ऑपरेट होगा तो टैक्स जरूर देना पड़ेगा। तो टैक्स जरूर देना पड़ेगा। अगर उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, उसका प्रॉफिट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे टैक्स लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेगी। तो अगर उसका प्रॉफिट डे टू डे या ईयर टू ईयर इंक्रीज होता जा रहा है तो टैक्स भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, जो गवर्नमेंट उनसे लेगी। तो ये था इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, प्राइवेट मैनेजमेंट मतलब कि निजी प्रबंध। अरे पूरा ही बिजनेस या पूरा ही सेक्टर प्राइवेट है तो उसमें जो मैनेजमेंट होगी वो गवर्नमेंट थोड़ी होगी, तो वो भी कौन सी होगी, वो भी हमारी प्राइवेट ही होगी। जो उसमें एम्प्लॉय होंगे, जो उसमें एम्प्लॉय होंगे, जो संचालक मंडल होगा, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ये होंगे या हमारे सारे क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, जो इस पूरी संस्था को ऑपरेट करेंगे। तो इसमें देवी रखा है किसका प्रबंध स्वयं मैनेजमेंट के स्वामी द्वारा किया जाता है, कंपनी की दशा समझदारी द्वारा मनोनीत संचालक मंडल इसकी देखरेख करते हैं। तो इस प्राइवेट जो मैनेजमेंट होगा, जिसे निजी प्रबंध होगा, इसमें जो प्राइवेट कंपनी है इसमें ये मैनेजर निजी प्रबंध होगा, इसमें कंपनी का जो ओनर होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करेगा, जो इसकी देखरेख केयर करेगा। कॉमर्स वाला प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर काफी कम होगा, होगा जरूर, पर जो गवर्नमेंट इंटरफेयर होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। जो टैक्स टूक्स होगा वो लेने होते हैं, और जो गवर्नमेंट स्टेट में जो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर सेटअप होगा तो कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है जो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट की फॉलो करनी पड़ती है। हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूर कर सकती है, पर वो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद हमारा इसके फर्म और प्राइवेट एंटरप्राइजेस देख लो, सेकंड जो पॉइंट आ रहा है हमने इसके पीछे तो कर लिए, सेकंड पॉइंट क्या है, फर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज प्रारूप, इसके निजी संस्था के क्या प्रारूप। ठीक है, तो हमने निजी संस्था के जो प्रारूप है उपक्रम बता रखे, एंटरप्राइजेस के तो उपक्रम, तो उसके जो कुछ फर्म दे रखी है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या दे रखा है। ये टू टाइप्स की होती है, ये कह रहा है जो फर्म और प्राइवेट इंटरप्राइजेस होते हैं टू टाइप्स की होती है, एक इनकॉर्पोरेट, एक क्या होते हैं इनकॉर्पोरेट, इसको हम क्या कहते हैं निगमित, एक उसकी नॉन इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट इसको क्या कहते हैं, गैर निगमित। तो
इनके बेस पे ही आपका बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इनकॉर्पोरेट कहने की चाहूं कि इनकॉर्पोरेट के मतलब निगमित के बेस पे अगर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, निगमित इनकॉर्पोरेट के बेस पर अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर किसी स्टेट में कर रहे हो तो उस स्टेट की गवर्नमेंट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराने पड़ेंगे कंपनी के, तब उसके बाद आपको अपने जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज सेटअप कर सकते हो और आगे इन फ्यूचर में उसको रन कर सकते हो। बट नॉन इनकॉर्पोरेट में किसी प्रकार का आपको रजिस्ट्रेशन बल्कि पंजीकरण जरूरत कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनकॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन या होती है उनको स्टेट या सेंटर में किसी भी तरह के रजिस्टर मतलब पंजीकरण अपने डॉक्यूमेंट्स कराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे क्या कहलाते हैं गैर निगमित मतलब नॉन इनकॉर्पोरेट कहलाते हैं। तो ये चीज थी इसमें, क्योंकि ये जो इनकॉर्पोरेट होते हैं बिजनेस वो इंडियन एक्ट कंपनी का जो दे रखा है उसके बेस पे होंगे, जो उनके एक्ट दे रखे 1956 दे रखे 1935 दे रखी है उनके बेस पे भारतीय अधिनियम कंपनी अधिनियम उसके बेस पे ये चलेगा। बट इसके लिए कोई भी एक्ट लागू नहीं होता, नहीं इसमें किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण कराने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे क्या कहलाता है कि टू टाइप्स की इंटरप्राइज होती है, एक कॉर्पोरेट एक इनकॉर्पोरेट। तो अब इनको कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है, किस बेस पे या किस एक्ट के बेस पे इन एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है वो हम अब पढ़ेंगे। आप किस किस बेस पे प्राइवेट सेक्टर में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, कहने का मतलब ये है भाई ये तो पता लगा है इनकॉर्पोरेट भी हो सकते हैं नॉन इनकॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, बट इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आप उस बिजनेस को करोगे कैसे। तो काफी प्रकार से कर सकते हो, या तो आप सोल प्रोप्राइटर कर सकते हो, मतलब कि एकल साझेदार, इसका मतलब क्या है कि आपको अपने बिजनेस को अकेला ही चलाना पड़ेगा, उसमें अकेले ही मतलब एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा, सिंगल व्यक्ति के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंगल व्यक्ति अगर उसको चला रहा है तो उसको ज्यादा रिस्क होगा, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा उसमें काम करना पड़ेगा, वो खुद ही मैनेजमेंट ऑपरेट करेगा, खुद ही ज्यादा ज्यादा रिस्क लेगा, खुद ही उसमें वर्क करेगा। तो इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें होती है सोल प्रोप्राइटर में होती है। उसको ही ज्यादा से जो भी कंपनी में सिंगल प्रोप्राइटर के सोल प्रोप्राइटर की कंपनी होगी उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका सारा का सारा प्रॉफिट कौन ले लेगा, जो उसको ऑपरेट करने वाला पर्सन होता है सिंगल। अगर जो भी लॉस होगा वो सारा सारा लॉस कौन झेलेगा, जो उसका पार्टनर या जो भी उसको ऑपरेट करने वाला एम्प्लॉय या फिर पर्सन होता है। तो हम ये कह सकते हैं सिंगल व्यक्ति जो पर्सन बिजनेस चलाता है तो वो खुद ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है पैसे, खुद ही उसका रिस्क लेगा ज्यादा से ज्यादा, खुद ही उस बिजनेस को ऑपरेट करेगा, खुद ही उसका ज्यादा ज्यादा लाभ ले सकता है और खुद ही उसका अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस भुगतान करेगा। सेकंड पॉइंट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि आपके परिवार का कोई बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलता जा रहा है और वो आप करते जा रहे हो, तो ऐसा व्यवसाय जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपका पारिवारिक बिजनेस हो जो आप उसको आगे फ्यूचर में चला रहे हो तो उसको क्या कहेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें सारी बागडोर जो फैमिली का सबसे बड़ा होगा उसको दे दी जाएगी, वो उसके बेस पे उसको ऑपरेट करेगा और जो फैमिली को और अदर फैमिली मेंबर होते हैं वो एज ए एम्प्लॉय वहां पे कार्य करेंगे। उसके बाद इसके अलावा जितने भी डिसीजन होंगे वो खुद जो फैमिली का सबसे बड़ा होगा वो लेगा, जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें इस डिसीजन को लेने में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा फैमिली का अदर मेंबर। इसके अलावा अगर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका भी किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर फैमिली का मेंबर उस बड़े मेंबर से नहीं करेगा, जो फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर होगा वही उसको ऑपरेट करेगा। तो ये चीज किस में कुछ नहीं था। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है पार्टनरशिप का, आपको करा चुका हूं
पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, साझेदार। ओके साझेदार मतलब कि जो सोल प्रोप्राइटर एक अकेला व्यक्ति ऑपरेट करता है, अगर उसको अपने बिजनेस को और अधिक आगे बढ़ाना है, अगर उसको पूंजी की आवश्यकता है, तो इसके लिए किसी और व्यक्ति को भी उस बिजनेस में शामिल करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप कहते हैं। शॉर्ट टाइम टू एंड टू एंड मोर पर्सन रन ए बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो ये चीज दे रखी थी, इसमें मिनिमम टू होते हैं, मैक्सिमम 50% होते हैं जो उस बिजनेस को चलाते हैं। तो कुछ और इसमें है नहीं, इसका सब कुछ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पार्टनरशिप का जो टॉपिक था उसमें अकाउंटेंस में भी आया था, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट में भी आया था, वो चीजें मैंने बता चुका हूँ। इसमें एग्रीमेंट होता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो अपने एग्रीमेंट के बेस पे जो रेशियो होती है उसके बेस पे वो बांट लेते हैं, और जो कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं वो हर चीज एक एग्रीमेंट ठहराव में लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट ज्वाइंट वेंचर, फोर्थ पॉइंट क्या है, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर इसका मतलब क्या है कि संयुक्त साहस, संयुक्त साहस। तो इसका वही है कि इसमें भी एक व्यक्ति का समूह होता है, वो समूह ही उस बिजनेस को ऑपरेट करता है। सेम पार्टनरशिप बेस पर ही है ये ज्वाइंट वेंचर, इसमें भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, और जब बिजनेस का एंड ऑफ द ईयर होता है तो जो उसका एग्रीमेंट होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज होता हो जाता है, और नेक्स्ट ईयर फिर न्यू एग्रीमेंट होता है। इसमें जो भी लाभ होगा ज्वाइंट वेंचर में, उस लाभ को उन जो व्यक्ति उसको ऑपरेट करते हैं पार्टनर्स, उनमें कैसे बटेगा, इसके लिए वो पहले ही एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं, जिस रेशियो के बेस पर उनको जो भी लाभ या लॉस होगा वो बटेगा। फिर पॉइंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्या होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी। तो ये जो संयुक्त पूंजी कंपनी होता है, इसमें जब दो या दो से अधिक व्यक्ति से ही वो बिजनेस चलेगा, पर इसमें किसी पर्सन या किसी मेंबर के आने, कंपनी का जो पॉइंट हमने किया वो यही, इसमें किसी मेंबर के आने जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जैसे चलती रहती है वो वैसे ही चलती रहेगी। और एक पॉइंट और, इसमें जो भी प्रोडक्ट सेल होगा परचेज होगा वो कंपनी के नाम से होगा, इसमें किसी पार्टनर का नाम नहीं चलेगा। इसमें पार्टनर शेयर होल्डर होंगे, डिबेंचर होल्डर होंगे, इन्वेस्टर होंगे, तो काफी ज्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। तो इसमें किसी भी पार्टनर या किसी भी मेंबर की डेथ होने से, रिटायरमेंट होने से, बैंकक्रप्ट होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ मेंबर जाते तो कुछ आते हैं, तो कंपनी अपने बेस पे चलती रहेगी। ये लीगली होता है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट से ऑथराइज कराना जरूरी है। इसमें प्रोडक्ट कंपनी के नाम से ही बिकेंगे और नाम से ही आप परचेज करोगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई आज। तो ये फिफ्थ पॉइंट थे प्राइवेट सेक्टर के, वो आप अपने आप कर लेना। इसमें एक्ट भी नहीं रखा है, 1956 के बेस पे होगा, और ये कंपनी आर्टिफिशियल होगी, ठीक है, जिसका जो राइट है, जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसके जो मेंबर उससे क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर अपनी मनमानी से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये था, इसको जो ऑपरेट करने वाले होंगे वो कौन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, और कुछ है ही नहीं इसमें। वही कह रहा है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू टाइप्स की होती है, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट, ये आप अपने आप पढ़ लेना। तो ये मैंने प्राइवेट सेक्टर के बारे में कुछ बताया था। 2.3 है, 10 चैप्टर हमारा चल रहा है, निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर। निजी क्षेत्र का मैंने सब कुछ बता दिया आपको, फीचर बता दिए इसके, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइज बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट के में हम अगला टॉपिक जो इसी का ही करेंगे, कौन सा करेंगे, पब्लिक सेक्टर का करेंगे, ठीक है। सो आप
कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई मैसेज मेरे से पूछ लेना। ओके।